हेलो गाइस, तो एल्विस यादव भड़के अरमान मलिक के ऊपर और अरमान मलिक को उन्होंने सॉलिड रिप्लाई दिया है। जी हां, अरमान मलिक हाल ही में बिग बॉस के घर में ये कहते नजर आए थे कि एल्विस यादव न तो क्रिएटर अच्छा है, न ही सिंगर अच्छा है और न ही वो एक्टिंग अच्छा कर सकता है और न ही वो अच्छा व्लॉगर है। उसका जो भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ लक की वजह से चल रहा है। जी हाँ गाइस, ये कहा था अरमान मलिक ने एल्विस यादव के बारे में। इसके अलावा अरमान मलिक बहुत बार एल्विस यादव के बारे में कुछ न कुछ बोलते नजर आते ही रहते हैं। तो इसी के ऊपर अब एल्विस यादव ने भी अपना रिप्लाई दिया है और एल्विस यादव ने अरमान मलिक को वार्निंग भी दी है। तो ऐसा क्या कहा है एल्विस यादव ने, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है, अरमान की दिक्कत क्या? भगवान का सब अरमान मलिक हर एपिसोड में मेरा नाम लेता, मुझे लगता है अरमान मलिक लव्स मी। मैं देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। देखो अरमान भाई, तुम बाहर निकल गया होगे तुम्हें पता लगेगा कि बहुत चीजें तुम्हारी खराब हो गई। जेन्युइन बता रहा हूँ मैं, मेरा ना तुमसे मैं कभी भी मिला, ना मेरी तुमसे कोई बात हुई, ना मुझे तुमसे कोई लेना देना। मैं वो एक चीज बता रहा हूँ, ना मुझे कोई इससे लेना देना, ना मुझे फ्यूचर में कोई लेना देना होगा और ना मुझे इससे दोस्ती रखनी। दुश्मनी तो देखो तुम्हारी मर्जी है, ये बात है सिंपल। तो जितना इसने मेरा नाम ले दिया इसमें, उसके पीछे का वो कहाँ है, क्या कहते हैं उसको, पैसा? अरे नहीं, उसके पीछे का वो कहाँ है, लॉजिक यही है ना, आपका नाम लेगा तो रील कटेंगी। भाई किसी की पर्सनल चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस अपने आप से लेना देना कि हमारा नाम क्यों घसीटा। अगर हमारा नाम ना घसीटा, हमारे बारे में फालतू ना बोलता, हम ये वाली वीडियो नहीं बनाते, समझ रहे हो ना। अब देखो मेरे को उसकी पास्ट हिस्ट्री से का भी पता है, मुझे सब पता है, पर मैं करता नहीं ये चीज बिलो द बेल्ट। वो पहले भी गाली खाता था, जो पहले ये कंटेंट बनाता था, ये जो बहुत माहिर बन रखा कि हम तो कंटेंट बनाने वाले हैं, दो वाइफ को कंटेंट बोलना इट्स ओके, वो उसकी पर्सनल चॉइस। वो तब भी गाली खाता था, ये आज भी गाली खा रहा है विद फैमिली, बट अब ज्यादा खा रहा है क्योंकि मामला ज्यादा हाईलाइट हो गया। लोग अब पीछे पड़ गए कि भाई दो वाइफ कैसे रखी है, लीगल इलीगल स्टफ, ये सारी चीजें हो गई, केसेस की ये केस है वो केस है। भाई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था कि किसी की पर्सनल लाइफ को निकाल के खरोच के भाई तुमने ये कर रखा वो कर रखा, ट्रेंड चल रहे गलत है। तो एट दी एंड होगा खराब आदमी, बट है तो वो भी इंसान ही, बाहर आएगा देखेगा कि भाई ये क्या नाश हो रखा। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का। अभी अरमान ने बोल रखा कि 90% लक पे चलता है, ना वो कुछ ये करना आता ना वो करना आता, ये होता वो होता। जब तू दूसरी शादी करने की कोशिश में था ना उस टाइम पे, तो हम यूट्यूब पे बढ़िया छा चुके थे भाई, मतलब भगवान की दया से प्यार कर रहे थे लोग। जब तू दूसरी तीसरी टोता डोल रहा था ना कि कौन सी पकड़ू कौन सी नहीं पकड़ू, ठीक है ना भाई, हमारे मुंह मतलब भाई, ठीक है भाई, ना हम पर्सनल जाते ना हम कभी पर्सनल जाएंगे, हमारे कोई उंगलीबाजी करेगा तो देखो अच्छा भी लगता, हम भी इंसान है भाई, बुरा लगता है ना चीजों का। मेरा नाम क्यों ले रहा साढ़े, हमने जाना है तू मुझे है कभी, मतलब वैसे तो देखा है कि इस जुबान से मेरा नाम आ रहा, ठीक है अपनी हरकतें ठीक करो, अपना घर बार ठीक करो, अपनी लीगल चीजें ठीक करो। अब ये पॉइंट मोड़ दे, तेरे पे भी तो है, हम भी कर रहे हैं, ठीक है तू भी कर, पर गेम भाई गेम को गेम की तरह। हाँ यार बिग बॉस है, शो है, शो की तरह रहो ना यार, किसी की पर्सनल जिंदगी में क्या घुसते हो भाई, रात भर सोच के अगले दिन बोलता है, मैं बता, हजार आदमी रेडी बैठे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में घुसने को और वीडियो बनाने को कि कुछ कंट्रोवर्सी हो जाए, हजार आदमी, हमने हम तो नहीं बैठे उन हजार आदमियों में, जरूरत नहीं ना, क्योंकि तुझे जरूरत है इसलिए तू मेरा नाम ले रहा, मुझे तेरी जरूरत नहीं है जो हम तेरा ढिंडोरा पीट से डोले। मेरी तो लास्ट वीडियो भाई अरमान मलिक के ऊपर, क्योंकि अब आगे से अगर इसने कुछ बोला तो ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर एल्विस यादव अरमान मलिक के बारे में जो कुछ भी कहा है उस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।